माशाल्लाह लाहौर जिस तरह बाहर निकला है वो पूरी दुनिया ने टीवी स्क्रीन पे देखा है, और ये मेरे लिए भी निकले हैं। अल्लाह का शुक्र है, नवाज शरीफ का कला है लाहौर। लेकिन जिस तरह लोग तंग आए हुए हैं महंगाई से, जिस तरह लोग बेरोजगारी से, लाकानूनियत से तंग आए हुए हैं, इस हुकूमत की नाअहली से और इस हुकूमत की नालायकी से तंग आए हुए हैं, वो लोग पीडीएम में और नवाज शरीफ में अपनी निजात देख रहे हैं। अच्छा मैडम, अच्छा। बताइएगा कि कल के जलसे के बाद लाहौर के थानों में एक बार फिर मुकदमात के अंदराज का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस हुकूमत की जान निकली हुई है लाहौर के जलसे से। मुल्तान के जलसे में भी इन्होंने यही किया था, गुजरांवाला के जलसों में भी इन्होंने यही किया था। कभी आपने सुना है कि एक जलसे में 3,000 FIR कटी हो? कभी देखा है? इतनी FIRs काटी है कि FIR का खौफ ही नहीं है। ये हुकूमत अब खुद जाने वाली है तो इसकी FIR कोई कहीं स्टैंड नहीं करती। पीडीएम में क्या अहम फैसले होने जा रहे हैं, इस्तीफे देने जा रहे हैं आप लोग? देखिए पीडीएम में सारे ऑप्शन जेरे गौर हैं और कुछ चीज़ों पे काफ़ी डिस्कशंस हो चुकी हैं और नतीजा मेरे ख्याल है सामने आने के करीब है। आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा अहम है इंशाल्लाह। मैम जिस तरह से आप भी नामजद हैं मुकदमे के अंदर, काइंडली ये बताइएगा अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो 13 का जो जलसा है आप क्या समझती हैं कि उसके अंदर देखिए मेरी बात सुने, ये जो तहरीक है इसको आवाम लीड करेंगे, ये आवाम की रिलीफ की तहरीक है, ये उनको मुश्किलात से निकालने की तहरीक है। मरियम नवाज हो या कोई और हो, इंशाल्लाह ताला अब ये तहरीक खत्म नहीं हो सकती, ये तहरीक इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत को घर भेज के दम लेगी। अच्छा मैम, ये फरदोस आशिक अवान ने कहा है कि कानून का वार होगा, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए कानून और आईन और लेजिटिमेसी इस हुकूमत की से बहुत ऊपर की बातें, इनको ये बातें सूट नहीं करती। बाकी मैं किसी भी हुकूमती तर्जुमान की बात का जवाब नहीं।